अजान साहब जा रहे हैं आज। अजान का पहला डे है स्कूल का, नर्सरी का फर्स्ट डे। आज अजान का कॉलेज का फर्स्ट डे है, पढ़ाई तो नहीं, ओरिएंटेशन डे है, तो लेट जा रहा है 11 बजे। फ्री ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे, चलो सही है, जाओ। अल्लाह हाफिज। आज अजान का फर्स्ट डे कॉलेज का था, अजान चला गया है कॉलेज, और आज मैं बहुत अरसे बाद घर में पूरी तरीके से अकेली हूँ, लेकिन अभी भी अकेली नहीं हूँ क्योंकि अब आ गई है ज़ारा, और अभी जो है हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे दिन के बाकी काम। और नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, मैं आज खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड विद कबाब एंड चाय, और ज़ारा का भी नाश्ता तैयार हो गया है, तो अभी हम अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों ही शुरू कर देंगे काम, जो कि हमारा काम है। और आज जो है मैं काफ़ी देर से यही सोच रही हूँ नाश्ते के बाद आज दोपहर के खाने के लिए क्या बनाएं, और सोचा ही जा रहा है, जो कि हर घर का ही मसला है, कश्मीर है, किसी बच्चे को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ, तो कभी कभी सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आज क्या बनेगा, और मैं जब से यही सोच रही हूँ कि आज क्या बनेगा। और अभी जो है सब्जी वाला आया है, तो कोशिश करती हूँ कि उससे कुछ खरीदूँ। और ये रात मेरा इब्राहिम ने इतना ज़ोर से, मेरे सर में दर्द था फ्लू की वजह से, इतना ज़ोर से इब्राहिम ने मेरा सर दबाया है कि मेरे निशान, ये इब्राहिम ने जो है अपने जो है सबूत छोड़े कि उसने कल रात में मेरी खिदमत की है। उसने कहा अम्मा के चेहरे पर सबूत छोड़ो। तो अभी जो है सब्जी वाला आया है, तो फिर देखते हैं उससे ही कुछ खरीद के कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बच्चों को पसंद आए और सब हंसी खुशी खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लू तो मुझे एक दिन का ही होता है, बस वो एक ही दिन होता है, और बस मैं सो जाऊं और एंटी एलर्जी ले लूं तो मेरा फ्लू खुद ही ठीक हो जाता है। अब फ्लू तो ठीक हो गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसकी वजह से ना तबीयत थोड़ी सी सुस्त है, क्योंकि मैंने एंटी एलर्जी खाई थी, और एंटी एलर्जी से मैं ना मेरी तबीयत बहुत सुस्त हो जाती है, तो बस फिर इसीलिए आज थोड़ी सी वैसे ही दिमाग कम काम कर रहा था, तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाएं, लेकिन सोचते हैं अभी कुछ बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद जब वो आया सब्जी वाला, तो हमें उसके बाद सिर्फ पालक ही नज़र आई, जो कि लग रहा था ये बच्चे खा लेंगे ये, क्योंकि पालक और आलू और पालक चिकन ये चीज़ें खा लेते हैं बच्चे शौक से। तो फिर मैंने ज़ारा को कहा पालक ले लेते हैं, फिर मुझे पालक लेते हुए थोड़ा सा वो हो रहा था कि साफ़ कैसे करूँगी, लेकिन फिर ज़ारा है ना वो करवा देगी मेरे साथ जल्दी से साफ, तो बस अब हम जल्दी जल्दी ये पालक काटते हैं ताकि टाइम से खाना बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, और ये गंदा बच्चा एज यूजुअल आज भी यूनिफॉर्म में खाना खा रहा है हैंड वॉश करके, क्योंकि इसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, 3:15 बज जाते हैं तो इसे बहुत भूख लग रही होती है। और ये रहा मेरा खाना, पालक आलू, जो कि बहुत मज़े का लग रहा है, और ये रही ईमान और उसका खाना, और साथ साथ उसका फ़ोन, जो कि बहुत गलत बात है ईमान। चले अजान जो है अभी तक कॉलेज से नहीं आ रहा है, और आया है और हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है वो खाना खा के आएगा, उसने अभी लेट जो है वहाँ पे आज उनका ब्रेकफास्ट था, ओरिएंटेशन क्लासेस थी, तो उसमें उन्होंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, तो अजान ने कहा है कि मैंने जो है हलवा पूरी इंजॉय की है, आप लोग खाना खा लें, तो बस फिर हम खाना खा रहे हैं, और फिर अजान आता है तो फिर जो है उसके रिव्यू तो उससे बात करते हैं कि भाई कि आज का आज पहला दिन कॉलेज का और ओरिएंटेशन क्लास कैसी रही उसकी। और आज जो है मैं अपना फेवरेट डेजर्ट बना कर खा रही हूँ, बहुत दिनों से मेरा ये खाने का दिल चाह रहा था, दही और थोड़े से चावल और चीनी। आजकल तो मेरा वैसे ही ना बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा यार क्या है खा लेते हैं, क्या करना है डाइटिंग करके, तो बस अभी मैं अपना दही चावल चीनी इंजॉय करने वाली हूँ। ये मेरा बचपन का डेजर्ट है, जो कि मेरी अम्मी बनाती थी और हम सब खाते थे शौक से, जब हमें कुछ मीठा नहीं मिल रहा होता था तो हम अपना ये वाला मीठा बना के खा लेते थे, तो आज मैंने ये अपने लिए बनाया है। और अजान बिलाल आज आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। कैसा है आपका कॉलेज? बहुत अच्छा कॉलेज है। हलवा पूरी कैसी थी? मुझे हलवा पूरी अच्छी नहीं लगती तो मैंने खाई। और क्लासेस तो आज हुई नहीं, आज आज तो करियर काउंसलिंग का सेशन हुआ। अच्छा, करियर काउंसलिंग। और जो है फिर हम लोग ऐसे खेले तो स्नूकर खेला हम लोगों ने, और फिर लोग गेमिंग जोन में चले गए थे, वहाँ फीफा खेला। सही।
बस यही ऐसे। और इब्राहिम क्या कह रहा है, कौन से कॉलेज में जाएगा? हलवा पूरी भी, हलवा पूरी भी है, और वो भी तो है ना, गेमिंग जोन भी है ना। हर दिन जाओगे, लेकिन हलवा पूरी हर दिन नहीं मिलती है, आज फर्स्ट डे था इसीलिए। जो है ईमान माशाल्लाह से अपनी पढ़ाई कर रही है। ईमान क्या बनाने लगी हो, दिल गुर्दा बना रही हो क्या कोई? बस हैक कर रही हूँ वो टीचर ना। अच्छा, ईमान की ना ड्राइंग इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, हमारी पूरी फैमिली का मसला है, हमारी किसी की भी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास अच्छी नहीं है। बस चलती का नाम गाड़ी वाली ड्राइंग है हमारी, चला लेते हैं कुछ ना कुछ करके। और अजान की भी पहले ऐसी थी, अभी बेहतर है। आइए देखेंगे जी, आज जो है इब्राहिम को अपनी फेवरेट स्टोरी का टाइटल बनाना था, और फ्रंट कवर पे जो है वो प्रिंट बनाना था, फ्रंट कवर जो मैंने बना लिया। अच्छा, वो अजान ही ने बनाया है, आपने सिर्फ कलर किया। और बस अभी इसका ना ऑथर का नेम ही हमें नहीं मिल रहा, ऐसी बुक इब्राहिम ने सिलेक्ट की है कि ऑथर का नेम नहीं मिल रहा, अभी हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो है मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन करने लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों के साथ भी मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना बहुत सिंपल से 2-3 स्टेप यूज करती हूँ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में, लेकिन पहले मैं नहीं करती थी। जैसे कि मैं आपको अपने पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि बच्चे छोटे थे तो मैं इतना ज्यादा अपनी स्किन पे और चीजों का ख्याल नहीं करवाती थी, तो इस वजह से मेरी स्किन हद से ज्यादा खराब हो गई थी। इब्राहिम के प्रेगनेंसी के बाद मेरी बहुत ज्यादा पिगमेंट हो गई और स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और तो फिर मैंने जो है मुझे ख्याल आया कि मुझे थोड़ी सी जो है अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो ये और बर्बाद से बर्बाद तर होती जाएगी। वैसे भी मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इतनी कोई खास अच्छी नहीं थी शुरू से ही, मुझे तो वैसे ही बहुत केयर करनी चाहिए थी। लेकिन ये कि मैं शादी से पहले करती थी केयर, लेकिन शादी के बाद बच्चों के साथ बहुत बिजी रहती थी, तो इसीलिए मैंने अपनी स्किन का कोई ज्यादा केयर नहीं की। और वैसे भी मेरी एक्नी स्किन पोर है और मेरी ये जो स्कार्स हैं, मुझे बहुत कोई ज्यादा वाले ना एक्नी निकले थे शादी से पहले, बहुत ज्यादा एक्नी निकले थे, तो ये उसके भी निशान है। चलिए ये तो मुझे मस्ता नहीं करते, मुझे इनकी आदत हो गई, लेकिन ये जो पिगमेंट हो गई थी और डबल टोन स्किन हो गई थी, ये मुझे जो है बुरी लगने लगी। नहीं भाई, ये तो अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के से भी, मैंने जो है जाके मशवरा लिया और कुछ उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट्स जो है सजेस्ट किए, वो भी मैं करवा रही हूँ। लेकिन वो अपनी जगह, वो तो कुछ अर्से के लिए है कि भाई थोड़ा कम हो जाए, और काफ़ी मेरी पिगमेंट कम भी हुई है, हाइट हुई है, बहुत ज़्यादा थी यहाँ तक थी, लेकिन पिगमेंटेशन जाते जाते जाती है, वो इतनी आराम से नहीं जाती है, एक दफ़ा हो जाती है। तो उसके साथ जो है मैंने अभी अपनी स्किन केयर रूटीन शुरू की है, और जिसमें जो है रात में जो है मैं अपनी अच्छे से स्किन को क्लींस करती हूँ। ये मैं आपके साथ अपनी रात वाली स्किन केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ। और इसके जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैं अच्छे से अपनी किसी भी अच्छे क्लींजर से सबसे पहले अपनी स्किन को क्लींस करती हूँ। मेरे पास आजकल जो है ये एसएल बेसिक वालों का है, मैं क्लींजर में ये यूज कर रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने बॉडी शॉप का जो है एलोवेरा वाला क्लींजर यूज किया है, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बार बार लेना मुश्किल हो रही थी, तो अब जो है मैंने ये ले लिया, ये रिजनेबल है और अफोर्डेबल है, तो मैंने अभी ये यूज किया है और इसके भी मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इससे मेरे कोई स्किन में वो नहीं होते, क्या कहते हैं, पिंपल्स नहीं होते, कोई रिएक्शन नहीं होता, और काफी अच्छी फ्रेश हो जाती है इससे मेरी स्किन। तो ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, अच्छी तरह से मैं इसे अच्छे से जेंटली से मसाज कर लेती हूँ, 1 से 1.5 मिनट तक ना अच्छे से इसका आप मसाज करेंगे, ताकि अच्छे से क्लेंज हो जाए आपकी स्किन, जो सारा दिन की डर्ट है, आपने किचन में काम किया हुआ है और सारा कुछ, उसकी वजह से जितनी भी डर्ट है इस तरह हो जाए और अच्छे से क्लेंज हो जाए हमारी स्किन। अभी थोड़ा सा ड्राई हो गया, अब इसे थोड़ा सा 1-2 पानी के कतरे लेके अच्छे से ऐड करके भी क्लेंज कर लेंगे। आप कोई भी अपनी मर्जी का अच्छा सा क्लेंजर जो आपकी स्किन के मुताबिक हो और आपको सूट करे तो आप वो कर लें। चलिए जी, अब क्लेंजिंग हो गई है, मैं फेस वॉश।
तो क्लिनजिंग के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब जो है मेरा बड़ा ही टिकाऊ सा स्क्रब है जो मैंने घर में बनाया हुआ है दो चार चीजों से। इसमें है चावल का आटा, जितना आप चावल का आटा लेंगे उतना ही आपने बेसन लेना है, और जैसे कि मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच टेबलस्पून चावल का आटा लिया है और एक ही टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन लिया है, तो आधा टेबलस्पून 1/4 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी ली है, और वो जो ऑर्गेनिक हल्दी होती है ना जिसमें कलर कम होता है वो वाली हल्दी ली है। ये तीन चीजों से अब जो है मैं रोज अपनी बॉडी को क्या कहते हैं फेस को स्क्रब करती हूँ। ये बस मैंने इस तरह की ना बॉटल बना के रख दी है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी, अगर आप चाहें, अगर आपके पास रोज वाटर है तो, अगर आप रोज वाटर से करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मेरे पास फिलहाल रोज वाटर नहीं है। अगर जब होता है तो मैं रोज वाटर यूज करती हूँ, जिससे आपकी स्किन इतनी मजे की हो जाती है स्क्रब करने के बाद, ऐसा लगता है आपकी ना कोई बेबी स्किन हो गई, और सारी आपकी इससे चावल के आटे से तो आपको पता है वैसे ही कितने ज्यादा चावल का आ रही है रेमेडीज और स्क्रब्स और मास्क, चावल के तो बहुत ही फायदे हैं, तो इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, स्क्रब हो जाती है और बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे बेबी स्किन हो जाती है। बिल्कुल हल्के से स्क्रब करेंगे क्योंकि इसमें चावल का आटा है, अगर तेजी से नहीं करना चाहिए। ये भी आप हार्डली 1 से 1.5 मिनट तक करें, और भाई नेक पे जरूर करें, ये ना हो कि सिर्फ चेहरा ही साफ हो और ये बेचारी गंदी रह जाए। और ये वाला स्क्रब तो आप जब नहाए तो आप फुल बॉडी पे भी अपने कर सकते हैं, फुल बॉडी स्क्रब भी इससे ले सकते हैं, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, जहां भी पिगमेंट है या डेड स्किन है और वहां पे कर सकते हैं। जी 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और मैं ना हैंग में ना इस तरह ही अपने हाथों में भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये बेचारे हाथ जो है ना, ये बाकी तो कवर होता है हमारा हिस्सा, ये बाहर होते हैं और इतना हम काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कटिंग करते हैं, 100 काम इन हाथों से करते हैं, तो इनका भी ना ख्याल रखना चाहिए। तो मैं जो ना फिर इस तरह जब मैंने क्लिंजर किया था वो भी अपने हाथों में इस तरह कर लेती हूँ और स्क्रब भी एंड में इस तरह कर लेती हूँ, ताकि चेहरे के साथ साथ हाथ भी चमकते रहे हमारे। चले जी अभी फिर एक दफा मुंह धो लेते हैं। चेहरा मैंने अब स्क्रब करने के बाद भी धो लिया और इतना सॉफ्ट हो रहा है ना मेरा फेस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल साफ और सॉफ्ट हो जाता है। और इसके बाद आप जो भी फेस वॉश अपना यूज करते हैं, जैसे कि मेरा ये वाला हाइड्रा फेस वॉश है, मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे दिया हुआ है, मैं ये यूज करती हूँ, आप अपना जो भी फेस वॉश यूज करते हैं वो यूज करें, बाद जो है बस फिर आप अपना फेस वॉश यूज कर लें, जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं, और फिर उसके बाद क्या स्किन पे लगाएंगे ये मैं आपको फेस वॉश करके बताती हूँ। ड्राई कर लिया अच्छे से, वॉशरूम से आके फेस वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई कर लिया। अच्छा, रात में मैं सोने के टाइम रात में मैं अपने स्किन पे क्या लगाती हूँ, रात में मैं अपने स्किन पे लगाती हूँ रेटिनॉल सीरम, जो कि बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी अर्से से इसकी तारीफ सुन रही थी लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम हुआ है मैंने रेटिनॉल लगाना शुरू किया है और इसकी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा रेटिनॉल। जो भी लोग इसकी तारीफें करते हैं या बोलते हैं भाई रेटिनॉल लगाएं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, और रेटिनॉल के काफ़ी इफेक्टिव है रेटिनॉल, और इसके काफ़ी रिजल्ट आपको जब आप यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे नज़र आना शुरू होंगे। मैंने अभी जो है इसको लगाते हुए मुझे महीना ही हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। आप कोई सा भी रेटिनॉल लें, इम्पोर्टेड लें, लोकल लें, मैंने लोकल लिया हुआ है क्योंकि भाई हमारी आजकल लोकल ब्रांड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और उनकी काफ़ी मज़े की चीज़ें आ रही हैं और बहुत अफोर्डेबल हैं और काफ़ी इजी रहता है इन्हें परचेज करना। भाई अब ऐसा नहीं कि कोई इम्पोर्टेड एक दफ़ा हम परचेज कर लें फिर दूसरी दफ़ा के लिए बैठे रहेंगे, इतनी एक्सपेंसिव है भाई हर दफ़ा कैसे लें। अब स्किन केयर है तो ये तो नहीं है कि आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते यूज़ किया तो आपकी स्किन ठीक हो गई, ये तो आपको अपनी रूटीन में रखना पड़ता है, रिजल्ट ही तब मिलता है जब आप कंटिन्यू रखते हैं चीज़ों को। जितनी भी स्किन केयर की चीज़ें ना, कोई भी जादू नहीं होती है, कम अज़ कम भी आपको कोई आप अगर चीज़ आपको सूट कर गई है, आपको जो है रिएक्शन वगैरह नहीं कर दे रही है, तो कम से कम आप उसको 3 महीने जरूर दें, 3 महीने आप यूज करके देखें
और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट पता चलेगा, और फिर अगर आप कोई सूट करती है तो आप यूज करती रहें, और जो है अल्टरनेट डेज में मुख्तलिफ चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। तो रेटिनॉल जो है आप डेली नहीं यूज कर सकते हैं, तो वीक में 3 से 4 दफा यूज करना होता है। तो मैं एक दिन रेटिनॉल यूज करती हूँ रात में, और एक दिन ये मैं जो है एडलवाइज जो है ली हुई है मैंने बॉडी शॉप की, एक दिन मैं ये मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ, क्योंकि डेली रेटिनॉल में यूज नहीं कर सकती, तो एक दिन मैं ये मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर आप ये नहीं ले सकते तो कोई भी ले लें जो आपको समझ आती है, क्योंकि मैंने भी अभी ली है, लेकिन मैं हमेशा नहीं लेती हूँ, लेकिन इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और उसके अलावा मैं रात में अपनी जो है, मेरे डार्क सर्कल बहुत हैं आज, जैसे कि आप लोगों ने को नजर आ ही रहे होंगे, तो मैंने जो है अब ये नूर बाय जुगन का सुना था कि काफ़ी अच्छी है ये, तो मैंने अब ये यूज़ करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही अर्सा यूज़ की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जादू तो होता नहीं है, और आहिस्ते आहिस्ते देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आएंगे, और मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ ये लगाना, तो अब ये भी यूज़ कर रही हूँ मैं। और यही थी मेरी सादा सी नाइट स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और रूटीन के साथ ही मेरे दिन का भी इख्तिताम हो जाता है, तो फिर इसी के साथ ब्लॉग का भी इख्तिताम करते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़, शब खैर। और आज इब्राहिम जो है शब खैर बोलने से पहले ही सो चुका है।